तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों आपका उत्तर हो जाएगा 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। आपको एक बात और बता दें, अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में दफनाया गया था। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कब हुआ था? 1542 में हुआ था। अमरकूट के राजपूत राजा बीरसाल के महल में हुआ था। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई शैली की शुरुआत की? तो आपको उत्तर अकबर ही होगा। तो दीन ए इलाही नाम से एक जीवन शैली की शुरुआत कौन किया था? अकबर ने किया था। अकबर ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। और महेशदास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी। यानी कि आपसे पूछ सकते हैं बीरबल का नाम क्या था, वास्तविक नाम? तो इनका नाम था महेशदास। और एक क्या थे? एक ब्राह्मण थे। और अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो आपको उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य में। आपका क्या पड़ेगा? रंगपुर पड़ेगा। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के वर्तमान राज्य गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में है। और रंगपुर से पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त बहुत सारे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि ऋग्वेद में कितने पुस्तकों अर्थात मंडलों में विभाजित है? यानी ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो आपका ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। तो इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 10। और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक बात और इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि ऋग्वेद का दो से लेकर सात तक जो आपके ये मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है। क्या है? सबसे प्राचीन मंडल है। और ऋग्वेद का 1, 8, 9 और तथा 10 दसों मंडल 2 से 7वां मंडल के बाद रचना की गई है। और ऋग्वेद के सातवें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध है जिसे दशराज कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 10 राजाओं की युद्ध किस मंडल में उल्लेखित है? तो आपके 7वें मंडल में 10 राजाओं का उल्लेख 10 राजाओं के युद्ध के बारे में बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और डेडेस के बीच एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। तो आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। B.R. अम्बेडकर के साथ ये पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में ब्योमेश चंद बनर्जी का अध्यक्षता में अर्थात किस सन में हुआ था? तो आपको पहले तो ये जान लेना है कि यानी कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ब्योमेश चंद बनर्जी बने थे। लेकिन अब इसकी अध्यक्षता कब हुई थी तो आपको ये बताना है। तो आपको उत्तर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ था। ठीक है, यानी मुंबई में पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, टिहरी बांध, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। कुछ बातें आप इसमें हम बता दे रहे हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में भागीरथी
भिलागंगा नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 किलोमीटर है, मीटर है, और लंबाई 575 मीटर है। कितना है? 575 मीटर है। तो और भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा सीधे गुरुत्वीय बांध तथा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ये देखिए आपको क्या दिया, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में पड़ता है। और किस नदी पर है? महानदी पर है। और यहाँ पर जो आपका भाखड़ा नागल बांध दिया है, ये आपका कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। और आपका सरदार सरोवर बांध, ये आपका कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? और नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर भारत में इनमें से किसे हॉकी इंडिया के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रो निगोम्बम को चुना गया है। क्या चुना गया है? ये पहली बार तो पूर्वोत्तर भारत के हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इन्हें इंडिया हॉकी टीम का क्या बना गया? प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया है? प्रथम अध्यक्ष। किनको? ज्ञानेंद्रो निगोम्बम को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा अभिनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को इन्होंने बनाया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। साथियों, ये आपके आगामी उत्तर प्रदेश यूपी पेट के जो एग्ज़ाम होने वाला अक्टूबर के मध्य बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए हमने ये मॉडल पेपर लेके आए हैं। आज हमारा ये पहला मॉडल पेपर है जीएस का, और इसमें सभी सब्जेक्ट मिला के आपका है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो आपको हो जाएगा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमने अभी आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसकी जो अध्यक्षता हुई थी कहां पर हुई थी? पहली बार मुंबई में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है महाबेली गंगा किसकी सबसे लंबी नदी है? यानी कि महाबेली गंगा जो नदी है किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। आपको हम यानी श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबेली गंगा, तो नेपाल की क्या होगी, पाकिस्तान की क्या होगी, भूटान की क्या होगी? तो हम आपको बता रहे हैं एक एक करके सबके बारे में। देखिए पहले श्रीलंका पर सुनिए, महाबेली गंगा नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक, चलिए फिर उसके बाद सुनिए आप, करनाल नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाल है, करनाल। ठीक साथियों, चलिए अब आपको हम बता दें सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, और करनाल नेपाल की। आते हैं भूटान पे, किस पे? भूटान पे। तो भूटान के मानस नदी, कौन सी नदी? मानस नदी सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? भूटान की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर, चलिए निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? ठीक, ये तो आपको ऐसे पता होगा, तो असम राज्य की नहीं लगती, बाकी आपको उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है। ठीक साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? गोदावरी नदी की एक सहायक नदी, आपका ऑप्शन है मूसी, पेनगंगा, तुंगभद्रा, कोयना। तो आपका उत्तर हो जाएगा
बी ऑप्शन बी यानी पेनगंगा नदी आपके गोदावरी नदी के एक सहायक नदी नहीं है, बाकी मुशी, तुंगभद्रा, कोयना ये तीन तीनों नदी आपके गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। पेन गंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। पेन गंगा महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियों से निकलती है। पेन गंगा कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के अजंता की पहाड़ियों से निकलती है। पेन गंगा आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में चिमूर नामक नगर के पास गोदावरी नदी में मिल जाती है। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप पठार की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? दक्षिण का गोदावरी कहा जाता है, और इसी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो देखिए गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदियों का नाम है, प्रवदा, पूर्णा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, शाबरी आदि, ये सब के सब आपके गोदावरी नदी की क्या हैं? सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र में ये 312,800 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? तो अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, काराकोरम। तो आपका जो ऑप्शन होगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी काराकोरम श्रेणी है ये आपका भारत, पाकिस्तान, चीन तक फैली हुई है। कौन सी? काराकोरम श्रृंखला, पहाड़ी श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली है। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत, चीन के क्रम से गिलगित बल्चिस्तान, लद्दाख और सिंजी क्षेत्रों तक है। यह हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है। काराकोरम किर्गिज भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी। इसके अंतर्गत काराकोरम दर्रा, कॉमा आपका खुजराब दर्रा, हिस्पर पास, बिलोफोंडला आदि दर्रे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 15 नंबर की ओर। कह रहा कि भाखड़ नांगल बांध किस नदी पर है? अभी हमने आपको बताया कि पहली बात ये कहाँ पड़ेगा आपका? हिमाचल प्रदेश, जो कि किस नदी पर है? सतलज नदी पर बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यस एस एल आर उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने वाली होती हैं, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रतिभूतियां होती हैं। तो एस एल आर का पूर्ण रूप पूछा है, बस एस एल आर का आपसे क्या पूछा है? फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होगा? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। आपको एस एल आर के बारे में कुछ बता दे रहे हैं। एस एल आर उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशेष प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। एस एल आर का पूर्ण रूप होता है स्टेटरी इक्विटी रेशियो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? तो विस्तारवादी नीति का सरकार कोशिश कर रही है। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए राज्य सरकार विस्तारवादी प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। राजकोषीय नीति सरकार द्वारा जारी किए गए मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी कि आपके कहते राजकोषीय नीति सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। राजकोषीय नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है साथियों? सरकार के द्वारा। और मौद्रिक नीति आरबीआई, दोनों में डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा। राजकोषीय नीति कौन जारी करेगा? गवर्नमेंट जारी करेगी। और मौद्रिक नीति आरबीआई, कौन जारी करेगी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए तो आपको उत्तर क्या होगा? विस्तारवादी। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ दें ताकि आपको समझ में आ जाए। करके राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? ठीक, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
आपको क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फिल करना है करेक्ट डैश वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक कमर्शियल बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के से उधार लेती है। मतलब वाणिज्य बैंक के किससे उधार लेती हैं, RBI से लेती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है कि बाजार दर कहा जाता है कि रेपो रेट कहा जाता है कि विनिमय दर कहा जाता है? तो आपको आपका उत्तर हो जाएगा उसे क्या बोला जाता है, रेपो रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेपो रेट। तो आपको हम बताते हैं रेपो रेट रेट दर होता क्या है। जब वाणिज्य बैंक कॉमर्शियल बैंक जैसे आपका SBI हो गया और पंजाब नेशनल बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन सबको क्या बोला जाता है, वाणिज्य बैंक है। तो ये बैंक क्या करे, जब RBI से उस समय के लिए पैसा उधार ले तो उसे क्या बोला जाता है, रेपो रेट बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा है, क्या पूछा है? तो पंचवर्षीय 12वीं आपकी पंचवर्षीय योजना क्या थी, और जो कि ये लास्ट थी, सन 2012 से लेकर कहाँ तक थी, 2017 तक थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया, 1951 में किया गया था। कब किया गया था, 1951 में किया गया था। संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ मामला में संविधान में पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता की चुनौती दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 21 नंबर की ओर। दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं, 2020 तक पूछ रहा है, कुल अभी तक संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? तो 104 अमेंडमेंट आपके हो चुके हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। संविधान के भाग 22 के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संसद को संविधान तथा इसके प्रावधानों में संशोधन करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दें, आप लोग ही बता दिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से में कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? आप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसका उत्तर दीजिए यहाँ पे। तो आर्टिकल 24 में ये बात कहा गया, इस प्रकार से आपको ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, संविधान के भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 परिभाषित करता है कि 14 वर्ष में कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम से संबंधित संरक्षण प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां का उल्लेख है, कितनी अनुसूचियां? अब यहाँ पे कुल पूछा है, जो मूल से तो पूछा नहीं है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो देखिए, तो आपको हो जाएगा कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12, जो कि मूल संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित है? तो नेहरू रिपोर्ट आपको संबंधित है संवैधानिक ढांचा से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया? तो अभी वहां हमने पूछा था संविधान संशोधन किस देश से लिया गया था, आपको उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। अब आपसे यहां से क्या पूछ लिया है, कह रहा कि भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता यानी कि बिजनेस करने का फ्रीडम जो है
किस देश से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको ये उत्तर बताना है। तो आपको उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में रहता है या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जाए। ये न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का लॉ है। तो आपको बताना कि न्यूटन के गति का पहला नियम कि दूसरा, कि ऊष्मा गति का पहला नियम या गति का तीसरा नियम। तो बाकी गति का तीसरा नियम आप लोग जानते होंगे, एक्शन टू रिएक्शन है। तो यानी कि ऑप्शन आपका ए और या बी, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो आपका उत्तर बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गति का पहला नियम। देखो कोई पिंड अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो मोशन कर रही है तो फिर वो मोशन ही करना चाहती है, ठीक है। इसलिए आपको उत्तर क्या हो जाएगा, गति का पहला नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा, ऊर्जा की इकाई पूछा है। तो ऊर्जा की इकाई आपका क्या हो जाएगा, कैलोरी और जूल होता है। कैलोरी और जूल, कैलोरी और जूल आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ऊष्मा ऊर्जा के ही एक रूप है जिसका एसआई मात्रक जूल होता है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। कितना होता है, एक कैलोरी बराबर कितना, 4.18 जूल। कितना, 4.18 जूल। और एक जूल में 0.24 कैलोरी पाई जाती है। चलिए अच्छा, एक प्रकाशवर्ष बराबर क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप करके हम लिख के हमें बताइए कि एक प्रकाशवर्ष बराबर क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षा के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड लिखा है, सोडियम बेंजोएट लिखा है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर सब लोग सुनिए, किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षा के रूप में नहीं किया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है, यहाँ पर तांबे का अयस्क खनिज पूछा है। तो चालकोसाइट, सिनेबार, गैलेना, कैसिटराइट। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, चालकोसाइट आपका तांबे का एक क्या है, अयस्क है। चालकोसाइट तांबे का एक अयस्क खनिज है। तांबे के कुछ अयस्क नाम हम बता दे रहे हैं, जैसे आपका क्यूपराइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पावर पाइराइट, ये तीनों आपके क्या हैं, तांबे के अयस्क है। फिर सुन लीजिए, क्यूपराइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट। पारा सिनेबार अयस्क से प्राप्त किया जाता है। पारा किसे प्राप्त किया जाता है, एक अयस्क होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेबार। क्या बोलते हैं, सिनेबार। सिनेबार अयस्क से क्या प्राप्त किया जाता है, पारा। गैलेना अयस्क से क्या बनाया जाता है, लेड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, गैलेना अयस्क क्या बनाया जाता है, लेड प्राप्त किया जाता है। सोना का अयस्क आपका है कल्वेराइट और सिल्वेनाइट। सोना का अयस्क क्या है, कल्वेराइट और सिल्वेनाइट। चांदी के अयस्क रूबी सिल्वर, पायरा गैराइट और हॉर्न सिल्वर आदि, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है, क्या पूछा है, वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है। वसा पूछ रहे हैं, यानी फैट, किस प्रकार का आपका टिश्यू है जो मानव शरीर में पाया जाता है। तो ये होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, संयोजी। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लुप्त का कुछ हिंदी क्वेश्चन आपका आगे हैं। लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, लुप्त, लुप्त मतलब होता है गायब हो जाना, जस्ट इसका उल्टा आपसे पूछा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, व्यक्ति, यानी कि सामने लाना, सामने लाना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सुर का पर्यायवाची पूछा, किसका पूछा है, सुर का पर्यायवाची, देवता, सूर्य, राक्षस, सुरंग।
तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देवता। सुर माने होते हैं राक्षस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। क्या करता हो? ईश्वर में, तो उसे बोला जाता है आस्तिक। बोला जाता है क्या? बोला जाता है आस्तिक बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मुंह धो आना, मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा आपका आशा न रखना। जैसे ऑप्शन आपका धोखा खाना, सफाई पसंद होना, नींद से जगना और आशा न रखना। भाई मुंह धो के चले आना यानी कि आप कोई भी उम्मीद नहीं रह गई। इस प्रकार का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निरीह, निरीह, निरीह और निहरी। इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं आपको उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। निरीह लिखने का जो तरीका है यही है, निरीह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से चुना गया? मिताली राज को, शफाली वर्मा को, कर्ण मलेश्वरी को, मीराबाई चानू को। तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द अवार्ड दिया गया है? तो मीराबाई चानू। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से किसे चुना गया? मीराबाई चानू को चुना गया। चलिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अगले 5 वर्षों के लिए MD एवं CEO नियुक्त किया है? साइरस मिस्त्री को, रतन टाटा को, राजेश गोपीनाथन को, विंध्य विश्वास को। तो किन्हें चुना गया है? राजेश गोपीनाथन को चुना गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अगले 5 वर्षों के लिए इन्हें MD और अपना CEO नियुक्त कर दिया है। किन्हें? राजेश गोपीनाथन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, द लिटिल बुक ऑफ द जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेसमंड टीटू, दलाई लामा, ए और बी दोनों, डी हिताची खोसला। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, डेसमंड टीटू और दलाई लामा ये दोनों लोग क्या हैं? द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सेल को, भेल को, गेल को, एंटीफिश, ये सब के सब क्या हैं? कंपनियां हैं। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो सेल को किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? सेल को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्किम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके कौन है? प्रेम सिंह तमन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिग्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो सिग्मो जो आपका फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल आपका संबंध है कहाँ से? गोवा से। कहाँ संबंधित है? गोवा स्टेट से संबंधित है। सिग्मो कहाँ उत्सव कहाँ संबंधित है? गोवा से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? इस प्रकार का आपसे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पियरे ओलिवियर गैरीचन से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। कौन? पियरे ओलिवियर गैरीचन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया है? मरे डार्लिंग, टेम्स से, सीन, टाइबर। तो टेम्स को। किसको? टेम्स को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? ऑपरेशन देवी शक्ति के संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालना। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन विधान चंद्र राय, सी एन आर राव, पुरुषोत्तम दास टंडन, अब्दुल कलाम आजाद। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विधान चंद्र राय, ये पश्चिम बंगाल के थे, जो कि पूर्व में वहाँ के सीएम भी रह चुके हैं ये। तो 1 जुलाई को आपके डॉक्टर डे भी मनाया जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? चिर्रो, उट्टम थुल्लल, लेजिम माचम। महाराष्ट्र की नृत्य शैली पूछा, क्या पूछा आपसे? तो आपका लेजिम क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का एक क्या नृत्य शैली है? लेजिम महाराष्ट्र का एक नृत्य शैली है। लेजिम नृत्य में न्यूनतम 20 नर्तक होते हैं। उट्टम थुल्लम केरल का नृत्य है। उट्टम थुल्लम कहाँ का है? केरल का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो लेजिम का कहाँ कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र का। गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? तो सभी लोग को पता होगा कहाँ पर है, तो मुंबई में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एक बार आपसे सुन लीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर? मुंबई में, और इंडिया गेट दिल्ली में। हाथी किस राजनीतिक दल का प्रतीक है? तो ये है आपका बसपा, BSP, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पुस्तक अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, आरके नारायण, APJ अब्दुल कलाम, सलमान रुश्दी। तो कौन है इसके लेखक आपके? APJ अब्दुल कलाम। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है? क्या है? एक है? रूप है। तो इसका ऑप्शन लगता है साथियों, 2 ही ऑप्शन आ पाया है, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा कि तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है थांगता थोड़ा। तो आपका हो जाएगा सिलंबन। क्या होगा? सिलंबन, सिलंबन ये किसे? एक मार्शल आर्ट है, और कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया भी है, फिर से हम इसको रीड कर दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल का एक रूप है? तो क्या है? सिलंबन आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन। तो कौन सी करती है? ओजोन करती है। कौन सी करती है? ओजोन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? क्वेश्चन को फिर सुनिएगा आप लोग। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो ऑप्शन है आपका शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शनि। क्या हो जाएगा? शनि। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन शनि ग्रह की परिक्रमा करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये कहाँ से लिया गया है? USSR, जिसे आप क्या कहा बोला जाता है? रूस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो, क्या है? बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल है। कुछ देशों के बारे में हम बता दे रहे हैं उनके राष्ट्रीय खेल के बारे में, जैसे आपका है स्पेन, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांडों का आपस में युद्ध है, और कनाडा का आइस हॉकी, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, फ्रांस और ब्राज़ील का फुटबॉल, और भूटान का तीरंदाजी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप, क्योंकि हमारे ये पड़ोसी देश है भूटान, इसीलिए ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। भूटान का तीरंदाजी, जापान का जूडो, इंडोनेशिया मलेशिया का बैडमिंटन, और यहाँ पर अमेरिका का बेसबॉल आपका बिल्कुल सही होगा। तो साथियों, ये हमारा प्रेस आप लोगों को कैसा लगा,
प्लीज़ प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जो कमी हो उससे कमेंट करके बताइए, और आप लोग प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि आपका अक्टूबर में यूपी पेट का परीक्षा लगी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये महत्व रखता है। तो चलिए साथियों, अब